दोस्तों सब्सक्राइब करें WTW बुटीक और बेल आइकन। अगर आपके ब्लाउज के शोल्डर गिरते हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें, मैं आपको बताऊंगी शोल्डर गिरते हो तो उसे ठीक कैसे करते हैं। ये ब्लाउज लिया है हमने, इसकी स्लीव्स पहले हटाई है हमने स्टिचिंग, इसको उल्टा कर लीजिए और यहाँ से भी स्टिच हटानी है आपको फिटिंग वाली। यहाँ से आधा इंच लेना है और इसको कटिंग कर लेना है। शोल्डर का ऊपर वाला भाग आधा इंच कटिंग करने के बाद हम आर्म सोल लेंगे 6.5 इंच। इसे वापस गोलाई से कट करना है, यहाँ से 2 इंच लेना है। आगे वाले शोल्डर में 1 इंच और एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। नीचे वाले भाग हमने हटा लिया है। पहले हम बैक वाले पार्ट पे फ्रंट पार्ट रखेंगे, दोनों शोल्डर को सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद इसे खोल ले और बैक साइड करके यहाँ पे एक सिलाई लगाएं। अब हम स्लीव्स ऐड करेंगे, जो शोल्डर का बीच वाला पार्ट है यहाँ यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से मिडल से। जो आगे वाले कटिंग का भाग है वो ब्लाउज के फ्रंट भाग की साइड में रखें। ये देखिए स्लीव्स हमने लगा ली है आगे की साइड और पीछे की साइड। अब हमें सीधा करना है और एक सिलाई बाहर की साइड लगानी है। और फिटिंग सिलाई कर लेनी है। अब वापस फिर से इस पर हम फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। फिटिंग सिलाई करने के बाद एक एक सिलाई और बाजू में लगा ले। ये देखिए इस तरह से आप दूसरी साइड भी सिलाई कर ले, फिर आपके शोल्डर नहीं उतरेंगे। इस तरह से आप अपने ब्लाउज के शोल्डर अगर गिर रहे हो तो ठीक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।